आज हमने सोचा कि हम पैसिफिस्ट स्टार्टर करेंगे। मेरा दोस्त कॉल पे था, पर हम मेरे को बाद में पता चला कि मेरे गेम में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ कॉल का, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। प्लीज़ माफ़ करना उसके लिए, और वीडियो को आगे देखते चलो। और अब मैं थोड़ा सा, पहले तैयारी कर रहे थे हम लोग, सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कि पता नहीं। 3 2 1 गो। हमने क्या करा, कॉल पे थे हम लोग, हमने साथ में स्टार्ट का बटन दबाया तो मैच हम दोनों की साथ में हो गई। सेम मैप सेम रख के और सिंगल सोलो में रख के हमने स्टार्ट करा मैच। फिर हमने सोचा हम दूसरे को पहचाने कैसे, तो हमने क्या करा, मैके फ्यूजन में वाले जाके शॉप में हमने मैका वाला जो इमोट है हमने वो ख़रीद लिया, जिससे वो कन्वर्ट होगा तो मुझे पता चलता है कि हाँ कि ये मिस्टीरियो है, मेरा टीममेट मिस्टीरियो जो कॉल पे था। ठीक है, मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, भाई तू है कहाँ, वो मेरे को ढूंढ रहा है, मैं कहाँ हूँ। ठीक है, बट हमको पहले हम लोग एक दूसरे को नहीं देखे, हम मैप मैप में यहाँ पे हमको नहीं दिख रहे थे एक दूसरे, हम देखे नहीं, हमने देखा ही नहीं भाई, हमको पता ही नहीं लगा भाई जो है कि नहीं मैच में। फिर बाद में ढूंढते रहा मैं, मिला ही नहीं वो यहाँ। फिर मुझे लगा कि यार मैं अलग मैच में चला गया, शायद हमारी ट्रिक काम नहीं करी, हमको ऐसे लगा। फिर बाद में हमने सोचा कि चलो उससे मैं कॉल पे पूछता हूँ कि प्लेन वाले में जिसका नाम होगा क्या सेम नाम उसके मैच में भी है। तो नाम था US खान करके, ठीक है, तो उसने ही मेरे को कॉल पे यही बताया कि US खान करके बंदा है, मेरे प्लेन पे नाम आया। मैंने उसको बोला मेरा नाम आ रखा है नीचे, सबसे नीचे देख मेरा नाम आ रखा है, क्या मेरा नाम दिख रहा है तेरे को नीचे RP वाले में लेफ्ट साइड में नीचे? उसने बोला हाँ दिख रहा है। बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम वहाँ जाएंगे, मैप में हम जहाँ मैंने मार्क करा है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। पर हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं सिर्फ सारी हीलिंग हीलिंग ले लूँगा, सारी हीलिंग ले लूँगा और वो मेरे को कवर देता रहेगा, लास्ट लास्ट में लास्ट लास्ट तक पूरे सबको मार देगा वो। और हम क्या करेंगे, मैं कवर में रहूँगा, मैं सिर्फ हील मारते रहूँगा और लास्ट में वो मर जाएगा, ये डिसाइड करा था हमने। तो प्लान के मुताबिक तो हम लोग अभी हो रहा है जो हो रहा है, देखो आप। यहाँ पे पहले मुझे लगा कि कोई और बंदा उतर रहा है मेरे साथ, उसका मुझे पैराशूट दिखा, फिर मुझे उसकी आउटफिट याद आ गई कि नहीं मिस्टीरियो ही है, मुझे लग रहा है मिस्टीरियो ही है। तो फिर हमने क्या करा, मेरे को उसके फुट्स आ रहे थे तो मैंने थोड़ा हीलिंग वीलिंग ढूंढ लूँ, पहले सोच रहा था हीलिंग वीलिंग ढूंढ लूँ। ठीक है, और फिर मैंने उसको बोला कि तू कहाँ उतरा है, उसने वो ये बोला यहीं पे उतरा हूँ इस, ठीक है, इस स्टेट में उतरा है वो भी। मैं उसको ढूंढने लग गया और मैंने सोचा फिर जेट पैक उठा सकते हैं, नहीं मैंने बोला नहीं, जेट पैक के चक्कर में हमको पैसे फिस का टाइटल बिगाड़ना नहीं, क्या पता वो आर्मरी में काउंट हो जाए, एक तरीके से वो आर्मरी में आ जाए। तो इसलिए फिर उन्होंने जेट पैक उठा, फिर मैंने उसको देखा अरे ये तो मिस्टीरियो है बस। फिर मैं तो वो मेरे तो पानी पीने चला गया था और फिर मैंने उसको बोला कवर देना, तो ठीक है उसको कवर दे रहा था वो। फिर हम दोनों ने डिसाइड करा कि चल थोड़ा सी हीलिंग और लूटते हैं, और वो अपना लूटने लग गया। मैंने फिर हेल्थ किट उठाई यहाँ से, सारा सब कुछ उठा लिया। देखो कॉल पे अभी भी वो था, हम कॉल पे बात कर रहे थे पर यार रिकॉर्डिंग में मेरा वो कॉल की बातें हम जो कर रहे थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत मस्ती मजाक भी कर रहे थे हम लोग बीच बीच में, वो मेरे को बोल रहा था एनिमी एनिमी, मैं उसको बोल रहा था एनिमी एनिमी। बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे हम लोग बीच बीच में। फिर मैं उसके साथ में ही रह रहा था क्योंकि कवर के लिए वही था मेरे पास कि भाई चल वही मारेगा बंदे, उससे दूर जाऊंगा तो अचानक से क्या पता उसको फूटा है और वो अचानक से रिफ्लेक्स में मेरे को मार दे, है ना। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी है तो हम साथ में ही रहेंगे, आसपास ही रहेंगे, ऐसा सीन था। तो मैंने बैंडेज वगैरह उठा लिए और मैंने हेल्थ किट वगैरह उठाई। पेन किलर्स भी उठा लिए मैंने, पेन किलर्स मिले तो पेन किलर उठा लिए, हेल्थ किट मिली हेल्थ किट उठा लिए। मैंने ना सेंसिटिविटी में जाके मतलब सेटिंग में जाके पिकअप में जाके मैंने ऑटो पिकअप ऑफ कर दिया था पहले ही, जिससे क्या ये सारी चीज़ें, मन तो मेरे को बहुत कर रहा था कि सारी चीज़ें उठाऊँ गन वन उठाऊँ नहीं, पर मेरे को पैसिफिक स्टैटल करना था जिसका रिक्वायरमेंट होती कि आपको सोलो मैच खेलना है और आपको आपको ना मतलब चिकन डिनर करना है, मैच जीतना है,
बिना किल करे सरवाइव करना इन बंदों के बीच में। लिविक मैप में मेरे दोस्त का हुआ था नूसा में, वो उसने नूसा में कंप्लीट करा था मिस्टीरियो ने, पर मेरा लिविक में हुआ है क्या नहीं हुआ है वो आप आगे देखो। ठीक है, मेरे को जिस तरीके से लग रहा था मैंने लिविक लिविक को चूज़ करा, मुझे लगा मैं गलती कर रहा हूँ, बट मैं सोचा तो नहीं यार ट्राई तो करेंगे भाई, लिविक में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दोस्त मेरे लिए हेलकेट वगैरह भी ढूंढ रहा था और मैं भी हेलकेट वगैरह ढूंढ रहा था और जितनी सारी ईलिंग्स हो सकती है हम ईलिंग्स इकट्ठा कर रहे थे और वो अपनी लूट वगैरह कर रहा था, थोड़ी बहुत गन्स वगैरह एमओ वगैरह। मैं खाली इसी को देख रहा था भाई, मेरे को भी लूटने का मन कर रहा है यार, मैं अभी लूटूँ मैं भी मारूँ बंदे, पर नहीं अंदर से इच्छा हो रही थी बहुत, पर हम लोग ने नहीं, हमने हीलिंग वीलिंग उठाई और शांति से पेशेंस के साथ, पेशेंस चाहिए भाई पैसे की स्टैटल करने के लिए, आपको पेशेंस चाहिए और सर्वाइविंग स्किल्स होनी चाहिए और एक अच्छा खास दोस्त होना चाहिए ऐसा जो मेरे साथ खेल रहा है फिलहाल। इसने नूसा में करा था, नूसा में तो बहुत ही कम बंदे होते हैं, उसमें तो आसान हो जाता है थोड़ा, बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे होते लिविक में और मैं अपना हीलिंग पेन किलर वगैरह मारा था और ये बंदे ने ट्राई करा कि ये सोच रहा था कि मेरा टीममेट बनेगा और ये जेट पैक से मुझे मैग्नेट गन से उठा के फेंक दे, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने बोला नहीं अबे तू मेरा एनिमी है इस मैच में छोड़ दे भाई, तो मैंने छुड़वाया फटाफट से हील करा और फिर हम चले आगे। भाई साहब एक पल के लिए मुझे लगा भाई इसने मुझे उठा दिया और मैच यहीं एंड हो चुका, हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, बट नहीं फिर भी मैंने क्लच करा वहाँ पे, हील करा अपने आप को और बच गए। अच्छा हुआ मेरे को दिमाग में आ गया था कि भाई ये एनिमी है और ये उठाएगा मेरे को तो मैं मर जाऊँगा। अब मैं उसका वेट कर रहा था, उसको कॉल पे मैं लोकेशन दे रहा था कि मैं इस तरफ हूँ और तू आ जा, मैं पेन किलर मार रहा हूँ। रेड जोन भी था इस तरफ तो मुझे डर भी लग रहा था कि भाई रेड जोन से ना हो जाए भाई गेम ख़त्म। मैं अपने दोस्त को बार बार यही बोल रहा था कि जोन चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एनिमीज आते हैं और जोन वगैरह में ज़्यादा सेफ रहेगा, जोन भी काटेगा वरना। मेरा दोस्त मेरे को हेलकेट दे रहा था और उसने बहुत हेल्प करी मिस्टीरियो ने, ठीक है हीलिंग्स वगैरह लाने में मिस्टीरियो ने बहुत हेल्प करी। तो मेरा दोस्त चला गया था राइट साइड में माउंटेन के ऊपर, वहाँ से वो देख रहा था हाई रीच से, वो देख रहा था कि भाई बंदे कहाँ हैं किस तरफ है, वो वहाँ से देख रहा था स्काउट कर रहा था। इतने में बंदे दिखते हैं उसको, तो उस बोल रहा है भाई तू पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ मैं देखता हूँ ये वो। मैंने उसको से बंदों की लोकेशन बता दी थी खाली कि बंदे उस तरफ है और वो बंदा देख रहा था उनको। फिर मैंने सोचा पीछे से जोन आ रहा है तो जोन में भी जाना जरूरी है, तो मैं जोन की तरफ जाने लगा। मैंने उससे बोला मिस्टीरियो को चल निकलते हैं, मिस्टीरियो यहाँ से निकलते हैं भाई, जोन में जाना पड़ेगा तो जोन काटेगा, हीलिंग्स भी थोड़ी कम है। वो ऊपर था और मैं नीचे था, मैं देख रहा था भाई, मैंने इस बीच में मैं कितनी बार तो मैं बॉट से ही बचा भागते हुए अपने आप को बॉट से बचाया, कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए भाई बॉट से भागना पड़ रहा था। वो सारे पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं थे इसलिए मैंने वो हटा दिए इसमें से रिकॉर्डिंग में से, और आप देखो मैच। लिविक जैसे मैप में
पैसिफिस्ट स्ट्रगल करना हार्ड बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रशर्स बंदे ही होते हैं, सारे रशर बंदे होते हैं, और कहाँ कहाँ कुछ लोग तो कैम्प करके बैठे होते हैं। स्पेशली अब तो लोग बहुत ज़्यादा ही कैम्प करने लगे, जेट पैक लेके बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ने लगे हैं, यहाँ वहाँ चढ़ने लगे हैं, कहीं भी चढ़ जाते भाई साहब। कोई मैका चला रहा है, मैका से उड़ा रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने मेरे दोस्त को बोला तू गाड़ी लेके आ जाए यहाँ पे, मैं गैराज में हूँ। बंदा क्या लेकर आया देखो भाई, बंदा लाया स्कूटर। मैंने बोला स्कूटर से क्या होगा, मैं जीप निकालता हूँ यहाँ से। तो मैंने जीप निकाली, अब मैंने भाई को बोला ड्राइव करो, तो देखो भाई साहब ने कैसी ड्राइविंग करी। ये देखो भाई, भाई को पत्थर से प्यार है लगता है, मैच में सारे पत्थर उड़ा देगा आज ये। पीछे बंदा था, भाई ने बीच रोड पे रोक दी भाई साहब। फिर हम गए इस वाले घर पे, फिर मैंने बोला गेट वेट बंद कर दिया मुंह पे, भाई ये क्या कर रहा है। फिर इतने में मैं ऊपर गया, मैंने उसको बोला मैं इस कोने में रह जाता हूँ, इस कोने में कोई खिड़की भी नहीं है, सामने की तरफ से कोई मारेगा भी नहीं, यहाँ सेफ रहेगा, तू यहाँ से कवर देते रहना मुझे अगर कोई आता है तो। भाई साहब ने बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया, मैं बोला अरे भाई सामने रीच से दिखेगा बंदे, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। फिर मैं चला गया वापस वहाँ पे बैठने, फिर मैं लेटे रहा थोड़ी देर, वेट करते रहा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइट को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ बैठे रहे, फिर जोन हमारा साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको बोला मेरे दोस्त को कि भाई जोन साथ नहीं दे रहा है, चलते हैं यहाँ से। भाई साहब गेट में ही लेटा पड़ा था, गेट के आगे एकदम बोल रहा था नहीं 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 जाते हम, नहीं जाते, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा जोन अलग कार्ड डैमेज देगा, हम चलते हैं आगे। फिर वहाँ ड्रॉप भी था, मेरा ड्रॉप लूटने का मन था पर मैं ड्रॉप नहीं लूटा। मैंने मन तो बहुत कर रहा था भाई खेलने का, मैंने कहा नहीं पेशेंस पेशेंस। फिर याद आ गया पैसिफिस्ट टाइटल करना है करके, तो फिर नहीं करा। ये भाई को जेट पैक लेके चले गए छत के ऊपर भाई, ठीक है। मैं हम पे आज तो जेट पैक नहीं था, हमने नहीं लूटा। तो अब मैं वेट कर रहा था यहाँ से थोड़ा सेफ होने के लिए, मैं लेट गया। सामने कार 98 थी यार, स्नाइपर चलाने का बहुत मन था बट नहीं, मैंने कहा नहीं हम टाइटल करके मानेंगे भाई। फिर मैंने आज पास देखा, मैंने कहा जोन आ रहा है मिस्टीरियो, चल निकलते हैं। भाई कहता है नहीं रुक जाओ रुक जाओ। फिर मैंने कहा मैंने बोला नहीं मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया जोन की तरफ क्योंकि जाना था भाई, मेरे पास फीलिंग्स कम थी तो मैं सोचा नहीं मेरे को तो जाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ रुका और देखा कि भाई आगे बंदे हैं, और देखा कि मैं कहाँ आ रहा है। अरे भाई पहले के टाइम में तो इतना कुछ नहीं था अड़बड़, अब तो मैका भी है, ये तो सीधा मैग्नेट गन से उठा लेता है। ऐसे में पैसिफिस्ट करना बहुत हार्ड होता है भाई, प्लीज़ इस मेहनत के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ताकि और ऐसी ढांसू और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लाते रहूँ। जोन तो अभी भी हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था एज ऑलवेज। मैंने कहा नहीं चलते हैं भाई आगे चलते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैंने मैका वाले को मार दिया, ऐसा वो कुछ बोल रहा था वो। मैंने कहा चल मैं जा रहा हूँ आगे। वो वहाँ बैठा हुआ, वो देखो सामने हो रहा, घोस्ट मिस्टीरियो है इसका नाम, ये जो मेरे साथ टीममेट खेल रहा है इसकी आईडी का नाम घोस्ट मिस्टीरियो है।
और मैं जून के हिसाब से जा रहा था, मेरा मन बहुत कर। अरे फिर मेरे दोस्त ने बोला बैठ 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 गया, मैं कहा मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, मैं पता नहीं क्या ग्लिच था, वो गेट इन नहीं हो पा रहा था, गेट इन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब जाते 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 हैं जोन बहुत तेज़ी से खा रहा था, यहाँ मेरे को मॉटल भाई का वीडियो याद आ गया जो मैंने क्लच करा यहाँ पे, जोन से जो बचाऊँ मैं। देखो आप और आप देख सकते हो मेरा दोस्त प्ले जोन से मर गया है। अब मेरे को लग रहा था कि भाई अब मैं कैसे जीतूंगा, अकेला हूँ मैं, मेरा दोस्त तो मर गया, लेकिन नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैं बच गया हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करने की ट्राई करता हूँ भाई, क्योंकि अब करूँगा तो मेरी खुद की मेहनत से होगा, ये वाला पैसिफिस्ट टाइटल मैं अचीव करने की ट्राई करूँगा। तो मैं चला गया अंदर, बंदे थे आजू बाजू भी फाइट ले रहे थे, बिल्कुल वो फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। और यहाँ पे तीन बंदे बचे थे, या जिसका मतलब है मेरे आगे सिर्फ दो बंदे हैं, मैं अकेला हूँ। अब मेरे को लग रहा था मैं तो लूट भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ। फिर मैं सोचा बाहर जाके देखता हूँ बंदे हैं कहाँ, देखा बंदे सामने ही है, और मैं फिर से भागा दीवार की तरफ। वहाँ भाई को बंदे स्पॉट हो गए थे, और बंदे दिख गए थे मुझे। अब मैंने करा, मैंने मिस्टीरियो को बोला भाई तू कॉल कट कर दे, और अब देखो आप आगे क्या होता है। मैंने सोचा चलो अब इससे टीम अप करते हैं, अब क्या होगा, टीम अप करता कि नहीं। मैं इसको इशारा करा, वो भी टीम अप करने आ गया दोस्तों। फिर मुझे लगा कि टीम अप करेगा नहीं करेगा, लास्ट में मार तो नहीं देगा। फिर ये भी टीम अप करने आ गया भाई, मेरा इशारा मान गया। और अब सुनो उसकी बातें, वो कैसे बात कर रहा था मुझसे। अरे मेरा पैसिफिस्ट टाइटल करना प्लीज, लव भाई लव यू मैन प्लीज। अगर यार भाई मेरा पैसिफिस्ट का टाइटल हो क्या जाएगा, पैसिफिस्ट का टाइटल हो जाएगा, आप मर जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ, पैसिफिस्ट का टाइटल हो जाएगा मेरा प्लीज। ठीक है सर। अच्छा थैंक यू भाई, लव यू मैन, आई लव यू मैन। ठीक, अरे भाई मेरे मैंने भी किया है वो टाइटल, मेरा मैंने करवा भी दो रहने मन से। ठीक प्लीज, मेरा कर दोगे प्लीज प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लो आप। हाँ थैंक यू सो मच भाई। जोन के बाहर भाई, चले अरे जाओ, जोन के बाहर, जोन के बाहर, अगर आप जोन के बाहर चले जाओ भाई तो। हाँ जा रहा हूँ भाई, तो जोन के बाहर, जोन के बाहर भाई। हाँ थैंक यू सो मच भाई। और इस We are तरीके से मैंने number करा one. पैसिफिस्ट टाइटल। थैंक यू सो मच भाई जिसने मेरे से कोऑपरेट करा और मेरे को जीतने दिया भाई, थैंक यू सो मच भाई, और दिल से शुक्रिया है। और ऐसी और ढांसू नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मज़ा आया भाई पैसिफिस्ट टाइटल करने में, जो थ्रिल है ना भाई अलग ही मज़ा आता है। अब देखो आगे मेरे फ्रेंड का रिएक्शन। मिस्टीरियो, हो मिस्टीरियो, गया? हो गया मेरा, हाँ हो गया भाई, हो गया। बता दो। मैं हाँ बंदा अच्छा था भाई, वो अबे भाई बंदा बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था वो कलेक्ट। ये देख मिस्टीरियो, पैसिविस्ट।